इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। 3 सूत्रीय मांगों के लिए शासकीय चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, ड्यूटी पर लगाए गए प्राइवेट चिकित्सकों ने भी काम करने से किया इनकार। चरमराते दिखाई दी अस्पताल की व्यवस्था, मरीज बेहाल। सीएमएचओ खुद मरीजों को संभालते दिखे, मांगों के लिए हड़ताल करते चिकित्सक। बुधवार को अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शासकीय स्वास्थ्य चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दी। जहां मरीज डॉक्टर के न मिलने पर परेशान होते रहे, वहीं इमरजेंसी सेवा भी इस दिन प्रभावित हो गई। हड़ताल के कारण जिला प्रशासन ने निजी चिकित्सकों को ड्यूटी पर जरूर लगाया, लेकिन उनके द्वारा हड़ताल का समर्थन करते हुए ड्यूटी पर आने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद आयुर्वेदिक चिकित्सकों को तैनात कर व्यवस्था बनाना चाही गई, लेकिन उनसे व्यवस्था नहीं संभाले जा सके और अस्पताल में मरीज परेशान होते दिखाई दिए। इस दिन दोपहर 1 बजे तक आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा ड्यूटी करने के बाद जैसे तैसे काम करवाने के बाद दोपहर 2 बजे के बाद तो कोई भी चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं होने से जहां मरीज कहराते हुए दिखाई दिए, वहीं हड़ताल बिगड़ने पर सीएमएचओ एसएस मालवीय ने कुछ देर ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाएं देखी। हालात यहां तक बिगड़ते दिखे कि ना तो अस्पताल में एमएलसी देखने वाला कोई डॉक्टर दिखाई दिया और ना ही ओपीडी में कोई डॉक्टर बैठा नजर आया, जिसके कारण प्रतिदिन मौसमी बीमारी के शिकार मरीज के साथ इमरजेंसी और एमएलसी सहित उपचार के लिए आए अन्य मरीज हाथों में पर्चा लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए परेशान होते रहे। हड़ताल के दौरान संघ के डॉक्टर एसके पालीवाल, डॉक्टर आरएल मालवीय, डॉक्टर डीएस परमार, डॉक्टर जेसी परमार, डॉक्टर केके सागरिया, डॉक्टर संदीप नाहटा, डॉक्टर केके परमार, डॉक्टर धीरेन्द्र ठाकुर, डॉक्टर नरेंद्र परिहार, डॉक्टर पंकज बघेल, डॉक्टर संदीप ठाकुर, डॉक्टर खुशबू सोनी, डॉक्टर उर्मिला मीणा, डॉक्टर राहुल सेठिया, डॉक्टर सुनीता सागरिया सहित चिकित्सक मौजूद रहे। इंडियन टीवी न्यूज से हरि नारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।